हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू टेली डिजिटल क्लास। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं एक और बार आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज के इस टॉपिक में हम जानेंगे, हम सीखेंगे बीकॉम सेम 4 के स्टेट के बारे में। स्टेट का चैप्टर है 3, सूचक अंक। चैप्टर 3 सूचक अंक के बारे में हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं। इसके पहले भी मैं अकाउंट, स्टेट और टैक्सेशंस की वीडियो बना चुका हूँ। उसका लिंक मैं ऊपर यहाँ पर आई बटन पर दे दूँगा और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं उसकी लिंक दे दूँगा। आप वहाँ पर जाकर इसे देख सकते हैं वीडियो। चलो दोस्तों, शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बाजू में आते बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए ताकि आप नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन पा सको और आप भी वीडियो देख सको। मैं अच्छी अच्छी पोस्ट वीडियो करता रहता हूँ, तो आप जल्दी से लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए इस चैनल को। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। सम नंबर 35 यहाँ पर मैंने लिया हुआ है। फिर से मैं एक और बार आपको बता देता हूँ, चैप्टर 3 सूचक अंक की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमें रकम दी हुई है, लैक्सपेयर, पासे और फीसर का सूचक अंक हमें यहाँ पर ढूंढना है। समय विपर्यास और पद विपर्यास परीक्षा हमें ढूंढना है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ये रकम दी हुई है हमें यहाँ पर। वस्तु, खोराक, कपड़ा, भाड़ू, बर्तन, ये सब दिया हुआ है। आधार वर्ष और चालू वर्ष, खर्च जत्थों, ये यहाँ पर हमें कुछ कोष्टक से एक छोटा सी कोष्टक हमें रकम में दिया हुआ है। तो आपको भी ऐसा ही एक कोष्टक बना लेना है। आधार वर्ष का जो खर्च होता है उसको हम P0 और आधार वर्ष का जो जत्था है उसको हम Q0 लिखेंगे। चालू वर्ष का खर्च उसको हम P0 और चालू वर्ष का जत्था इसको हम Q0। ये P0, Q0, P0, Q1, P1, Q0 ये आधार वर्ष का जत्था है। Q1 ये आधार चालू वर्ष का जत्था है। और जो हमें ये खर्च दिया हुआ है, कुल खर्च जो हमें यहाँ पर दिया हुआ है वो हमें P0 Q0 दिया हुआ है आधार वर्ष का, और चालू वर्ष का P1 Q1 दिया हुआ है। इसमें से P1 Q1 भाग्या और P1 Q1 भाग्या Q0 आप करोगे तो ये 20 मिल जाएगा। सॉरी, क्यू 160 भाग्या 20 करोगे तो आपको यहाँ पर 8 क्यू जत्थो खर्च जत्थो मतलब Q0 और P0 ये हमें अंदर दिया हुआ है। तो हमें ये P0 ढूंढना है, तो P0 हमें यहाँ पर इसको ढूंढना है। तो Q0 P0 भाग्या Q0 = P0। 160 भाग्या 20 हम यहाँ पर करेंगे तो 8 हमारा यहाँ पर आ जाएगा। इसी तरह हमें चालू वर्ष का कुल खर्च मतलब Q1 P1 Q1 हमें यहाँ पर दिया हुआ और चालू वर्ष का जत्था मतलब Q1। ये देखिए P1 Q1 Q1 और P1। ठीक है, ये तो हमने ढूंढ लिया। इसके अलावा और हमें यहाँ पर दो चीज़ ढूंढनी होती है, P1 Q0 और P0 Q1। ये दो चीज़ हमें यहाँ पर ढूंढनी होती है। तो ये कैसे हम ढूंढेंगे, P1 Q0, तो ये हमारा P1 और Q0 ये दोनों का हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारा ये 180 आ जाएगा। इसी तरह ये हमें 112 × 6 मतलब 20 × 1 मतलब 20, 5 × 3 मतलब 35
और 50 चौक 100। इसी तरह P0Q1, इसी तरह P0Q1, तो P0Q1 को हमें ढूंढना है, तो P0 एंड Q1, Q1 ये रिया यहाँ पर, तो 20 × 8 मतलब 160, 10 × 20 मतलब 200, और 12 × 1 12, 4 × 5 20, और 40 × 5 200। तो ठीक है, ये एक ऐसा ही था कोष्टक, हमें सिंपल सी बहुत इजी है, सिर्फ आपको मल्टीप्लाई करना है। इसके बाद हमें यहाँ पर ये हमने ये इसका टोटल आपको ये इसका टोटल आपको कर लेना है, एक इसका टोटल करना है, इसका करना है और इसका करना है। ठीक, तो ये देखिए, ये हमें यहाँ पर एक लास्ट स्पीयर IL पास है, और ये फीसर, ये तीन सूत्र है जो आपको याद कर लेने हैं। ठीक है, IL बराबर इसका सूत्र है, लास्ट पेयर का सूत्र है, IL बराबर P1Q0/P0Q0, लास्ट पासे का सूत्र है सिग्मा P1Q1/P0Q1 × 100, फीसर का सूत्र है वर्गमूल में IL और IPL को, हम यहाँ दोनों को वर्गमूल में ले लेंगे। तो देखिए IL बराबर P1Q0, तो P1Q0 ये रहा, इसका टोटल है 487/P0Q0, तो P0Q0 हमारा यहाँ पर है 404, तो 487/407 × 100, तो हमारा ये मिल जाएगा 120.5454। इसी तरह पास है σP1Q1/σP0Q1, तो σP1Q1/P0Q1 × 100, तो 715/592 × 100, तो मिल जाएगा 120.18। इसी तरह IF मतलब ये दोनों को हमें जो भी आंसर मिला है उसको हमें वर्गमूल में ले लेना है, तो 120.5 120.54 × 120.18, तो हमें ये वाला आंसर मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये वीडियो बीकॉम 7-4 वालों के बहुत ही लिए इम्पोर्टेंट था, छोटा सा वीडियो था लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो था आपके लिए। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।